Good morning, students, and today I'm going to teach you the time and place related changes. In the last videos, we have learned the tense and pronouns related changes. So let's move on the time and place related changes. डायरेक्ट पार्ट में अगर आप लोगों के पास में टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है तो आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे. देखो दिस को आपको चेंज करना है दैट में. डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे दिस दिख रहा है तो आप उस दिस को चेंज करोगे दैट में. दिस विल चेंज इन टू दोस. हियर चेंज हो जाएगा देयर में. नाउ चेंज हो जाएगा देन में. थस को आपको चेंज करना है सो में. एंड हैंस विल चेंज इन टू देंस. टूडे दैट डे में चेंज हो जाएगा. टू नाइट दैट नाइट में चेंज होगा. दिस डे दैट डे में चेंज होगा. और दिस नाइट को आपको चेंज करना है दैट नाइट में. ओके टुमारो विल चेंज इन टू द नेक्स्ट डे एंड द फॉलोइंग डे. इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो या फिर द फॉलोइंग डे यूज़ कर सकते हो. दोनों यूज़ नहीं करना है. दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे. ओके यस्टरडे चेंज हो जाएगा किसमें. द प्रीवियस डे में. लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ. लास्ट वीक द प्रीवियस वीक. लास्ट डे द प्रीवियस डे. ठीक है कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक में. नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे. ओके कम को आपको चेंज करना है गो में. एंड टुडे विल चेंज इनटू दैट डे. ओके अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में. ठीक है तो ये कंप्लीट टेबल है. इसे आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और उसके बाद में आपको लर्न करना है. अब नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. सो हियर वी हैव एग्जाम्पल इन डायरेक्ट पार्ट. शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम. उसने कहा कि मैं इस टाइम आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ. सो इट्स अ डायरेक्ट पार्ट. अब डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस में देखो शी सैड है. सैड के बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड को चेंज नहीं करेंगे. सैड को हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया यहाँ पे. तो शी सैड कनेक्टर अजॉरिटी सेंटेंस है तो कनेक्टर क्या हो जाएगा दैट. शी सैड दैट. नाउ प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस. यहाँ हमारे पास में कौन सा प्रोनाउन है आई है और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी है. आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है शी है. आई यहाँ पे कौन सा केस है नॉमिनेटिव केस है. तो यहाँ पे शी का नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा शी ही हो जाएगा. तो यहाँ हमने इस आई को चेंज कर दिया किस में शी में. ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास में सैड है मीन्स टेंस कौन सा है यहाँ पे पास्ट टेंस है. तो इसलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज करना है. सो कैन किस में चेंज हो जाएगा कुड में. कैन का पास्ट टेंस क्या होता है कुड. तो कैन को हमें चेंज कर दिया किस में कुड में. आफ्टर दैट कुड नॉट हेल्प. अगेन वी हैव प्रोनाउन. फिर से हमारे पास में प्रोनाउन आ गया है और यहाँ पे हमारे पास में प्रोनाउन कौन सा है यू है. और यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास में यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. बट हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे नहीं है तो हमें क्या करना है मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था. अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें अज्यूम करना होता है. अब हम अज्यूम करेंगे कौन से पर्सन में से फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से हम लोगों को अज्यूम करना है. तो यू है हमारे पास में. हम फर्स्ट पर्सन में से आई अज्यूम कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे यू वर्ब के बाद में आ रहा है. वर्ब के बाद में आ रहा है. सो ये कौन सा केस हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया है. तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ से आई हमने अज्यूम किया है तो आई का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा मी. इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है मी. ओके सो शी कुड नॉट हेल्प मी एट. अब ये यहाँ पे हमारे पास में आ गए टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस. तो ये दिस टाइम आ गया है और दिस टाइम को हमें चेंज करना है किस में
दैट में, तो ये दिस हमारा चेंज हो गया दैट में। ठीक है, अभी बताता हूँ मैंने आप लोगों को, यहाँ पे जब डायरेक्ट पार्ट में हमारे पास में दिस आ रहा है, तो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसे किस में चेंज करेंगे, दैट में। तो हमने इसे यहाँ पे दैट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास में सारे टाइम से रिलेटेड चेंजेस, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस और टेंस से रिलेटेड चेंजेस सारा हमने कवर कर लिया है। एक बार फिर से दोबारा लिख लेते हैं। शी सैड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो शी सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ नहीं है, इसलिए हमने शी सैड यूज़ किया है। ये हमारा कनेक्टर हो गया। तो शी सैड दैट, आई को चेंज कर दिया हमने शी में। कैसे चेंज किया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हमारा नॉमिनेटिव कैसे, इसलिए शी भी क्या हो गया, शी का नॉमिनेटिव कैसा जाएगा क्या, शी। तो शी सैड दैट शी कैन, पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड। शी कुड नॉट हेल्प यू चेंज हो गया मी में, यू मी एट, और तो उसको चेंज कर दिया हमने दैट में, दैट टाइम। ओके, तो यू चेंज हो गया मी में, आई को चेंज किया किस में, शी में, और दिस को किस में चेंज किया, दैट में। आपको ध्यान यहाँ रखना है कि वर्ब के बाद में अगर यू आ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, इसलिए हम यहाँ से जो अज्यूम करेंगे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव कैसे लेकर के आएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड टू मी आई शिल कम टुमारो। उसने मुझसे कहा कि मैं कल आऊँगा। ओके, तो ही टोल्ड मी, सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो सैड टू को हमने चेंज कर दिया किसमें, टोल्ड में। सो ही टोल्ड मी, करेक्टर हमने ऐड किया दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ही है। आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ से जो ही है, ही का भी क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या आ गया, ही होता है। ही टोल्ड मी दैट ही, यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। देखो, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शैल को चेंज करना है शुड में, लेकिन यहाँ हमारे पास में प्रोनाउन क्या आ गया, ही, तो ही के साथ में वैसे क्या आता है, विल, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में किस में, वुड में, ही वुड कम। अब टुमारो को हमें चेंज करना है किस में, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, है ना, यू कैन यूज़ द नेक्स्ट डे, आप नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हो या फिर फॉलोइंग डे, दोनों यूज़ नहीं करना है, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हो गए, ये टाइम रिलेटेड चेंजेस हो गया, टेंस रिलेटेड चेंजेस, और ये टुमारो का टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको नाउन गिवन है, और नाउन कैसे गिवन है, एड्रेसिंग में गिवन है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू मैक ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उस नाउन को आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आई रिपीट, अगर रिपोर्टर स्पीच में आपको कोई नाउन गिवन है और एड्रेसिंग में गिवन है, तो आपको उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो कैसे, एग्जांपल देखते हैं हम, शी सैड यू आर फुलिश मुकेश। तो ये हमारा यहाँ पे नाउन हो गया और एड्रेसिंग में है नाउन। ठीक है, तो कैसे चेंज करना है, इस नाउन को हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम, शी सैड टू मुकेश, मुकेश जो नाउन है इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, शी सैड टू मुकेश। फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, यू आर फुलिश, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप आपको माइंड में ही करनी है, या फिर आप अभी प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक में करके देख सकते हैं, बाकी एग्जाम में आप लोगों को फर्स्ट स्टेप पहले ही राइट नहीं करनी है, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है, तो शी सैड टू मुकेश यू आर फुलिश। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो शी सैड टू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू चेंज हो जाएगी किस में, टोल्ड में। तो शी टोल्ड मुकेश, कनेक्टर क्या हो गया, दैट, शी टोल्ड मुकेश दैट यू आर फुलिश। तो यू यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मुकेश है, मुकेश के लिए क्या यूज़ होगा प्रोनाउन, ही प्रोनाउन यूज़ होगा, वर्ब से पहले है, मीन्स नॉमिनेटिव केस है, तो ही का नॉमिनेटिव केस आ जाएगा क्या यहाँ पे, ही। पास्ट टेंस है, तो फिर से हमें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है, क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, वोज फुलिश, ही वॉज
फुलिश, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में नाउन गिवन है एज ए एड्रेसिंग गिवन है, तो आपको क्या करना है, उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट स्टेप में आप ऑब्जेक्ट बना के देख लो, फिर आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल सेड प्रिया आई वांट टू हेल्प यू, राहुल ने कहा कि प्रिया मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये नाउन जो आपके लास्ट में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है, तो प्रिया यहाँ पे नाउन है, एड्रेसिंग में आ रहा है, तो फिर से आपको इसे क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, राहुल सेड टू प्रिया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। फिर आप लोग इसे चेंज कर सकते हो, राहुल सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, ठीक है। तो राहुल टोल्ड प्रिया, कनेक्टर क्या लग गया, दैट आई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राहुल के लिए क्या यूज़ होगा, ही, तो हमने यहाँ पे ही यूज़ कर लिया। टेंस कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब में, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज करना है, पास्ट सिंपल में हमें इसे चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में। वांट है तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड टू हेल्प, और यू है अब वर्ब के बाद में आ रहा है, तो मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, बट ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे हमें चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, प्रिया के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, शी, प्रिया के लिए क्या यूज़ होगा, शी यूज़ करना है हमें, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राहुल टोल्ड प्रिया दैट ही वांटेड टू हेल्प हर, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट, नेक्स्ट देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास में ओ, वेल, यू, सी, ओके, रिमूव, इस टाइप्स के वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ओ, वेल, यू, सी, ओके, तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आपको ओ, वेल, यू, सी, ओके, इस टाइप के वर्ड्स को आपको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो शी सैड, वेल, पंकज, यू हैव डन दिस वर्क, तो शी सैड के बाद में ऑब्जेक्ट ने हमने इसे चेंज कर दिया टोल्ड में, तो शी टोल्ड पंकज दैट, कनेक्टर लगा दिया, वेल आ रहा है, यहाँ पे हमें इसे रिमूव करना है, यूज़ नहीं करना है हमें इसे, तो शी टोल्ड पंकज दैट, यू को चेंज करो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्ट यहाँ हमारे पास नहीं है, अज्यूम कर लो, आई अज्यूम कर सकते हो, फिर आप ही अज्यूम कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे ही अज्यूम कर लिया है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास में यहाँ पे हैव डन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, हैव का क्या हो गया, हैड, हैड डन, और दिस ये टाइम रिलेटेड चेंजेस में, दिस क्या चेंज हो जाएगा किसमें, दैट में वर्क, तो शी टोल्ड पंकज दैट ही हैड डन दैट वर्क, ओके। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास में वेलकम और फेयरवेल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, यू नो वेलकम वर्ड्स है, तो ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, इस टाइप्स के वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सैड टू को चेंज करोगे विज्ड में, अगर से टू है तो आप इसे चेंज करोगे किस में, विश में, कब करना है, जब वेलकम और फेयरवेल वर्ड्स के टाइप्स के वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, ओके। नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, यूज़ गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में आपको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट यूज़ करना है, ठीक है। आप सेट टू को चेंज करोगे विज्ड में, से टू आ रहा है विश में चेंज कर दोगे, उसके बाद में आपको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आपको यूज़ करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में आप यूज़ करोगे सेट दैट, देन यूज़ एंड सेट दैट, इस वर्ड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखते हैं, माई क्लासमेट सेट टू मी, माई क्लासमेट सेट टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है, डायरेक्ट पार्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो माई क्लासमेट सैट टू है, यहाँ गुड मॉर्निंग आ गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर इस टाइप्स के वर्ड्स आ रहे हैं वेलकम वर्ड्स गुड मॉर्निंग, तो आपको इसे चेंज करना है सैट टू को किस में, विज्ड में, तो सैट टू को हमने विज्ड में चेंज कर दिया है, माई क्लासमेट विज्ड मी, अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में ही आपको गुड मॉर्निंग यूज़ करना है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, इसके बाद में हमने यूज़ कर लिया गुड मॉर्निंग, इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, आपको एंड सैड दैट वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है,
एंड सेट दैट वर्ड यूज करना है. ये कंप्लीट वर्ड आपको यूज करना है एंड सेट दैट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंड सेट दैट यूज कर लिया. एंड सेट दैट इसके बाद में आपको चेंजेस करने हैं. अब यहाँ पे प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. यू हमारा कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या है? मी है. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है. बट हमें कैस चेंज नहीं करना है. सो यहाँ पे यू कौन सा कैस है? नॉमिनेटिव कैस है. तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई. मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई. तो हमने यहाँ पे आई यूज किया है. इसके बाद में टेंस रिलेटेड चेंजेस हैव है, तो हैव चेंज हो जाएगा किसमें? हैड में. आई हैड फिनिश्ड. अब योर है, सो योर पजेसिव केस है. सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पजेसिव केस है, बट है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मी है. मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि कैस में चेंज नहीं करना है, कैस चेंज नहीं होना चाहिए. ये पजेसिव केस है यहाँ पे, तो इसका भी पजेसिव केस आएगा. तो इसका पजेसिव केस क्या हो गया? माई. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? माई. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग अंडरस्टैंड. समझ आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे. तब तक आप लोगों को ये कंप्लीट नोट्स बनाने हैं. ये कंप्लीट टेबल आप राइट करोगे, उसके बाद में लर्न करोगे. ओके.